बिहार के गया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के नक्सल प्रभावित बाराचट्टी प्रखंड के सिरसिया जंगल में पुलिस और एसएसबी ने बुधवार की शाम करोड़ रुपए से अधिक नशीले पदार्थ को बरामद किया है। बरामद किए गए नशीले पदार्थ को लाने के लिए पुलिस को 6 ट्रैक्टर का इंतजाम करना पड़ा, तब जाकर नशीले पदार्थों को थाना तक ला सकी है। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि 4100 किलो डोडा, 150 किलोग्राम तरल अफीम, 400 ग्राम ब्राउन शुगर और 20 किलोग्राम गांजा यहां से बरामद किए गए हैं। मौके से राजेश सिंह नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवक से पुलिस ने पूछताछ की। एसएसपी कमांडेंट हरिकृष्ण गुप्ता ने बताया कि झारखंड से सूचना मिली थी कि सिरसिया जंगल में नशीले पदार्थ एकत्रित किए गए हैं। वहां से मादक पदार्थों को अब दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी चल रही थी। वहीं छापेमारी के दौरान एक स्थान से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ प्राप्त किए गए। तरल अफीम प्लास्टिक के बकेट और जार में रखा हुआ दिखाई दिया। एसएसबी कमांडेंट ने बताया कि अफीम की खेती इस इलाके में नक्सलियों के संरक्षण में की जाती है। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के पकड़े जाने में तस्करों को बड़ा झटका पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया है।